सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलास में अगर प्रॉब्लम है तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो या फिर डिफरेंशिएशन करते हो तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलास नहीं आते, क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला लगेंगे, बिना लगे तो होते ही नहीं है क्वेश्चन। तो यहां पे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्मुला को लर्न करना है। और देखो, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है फॉर्मुला को याद करने में, लेकिन जब भी आप रिवाइज करोगे ना, बिल्कुल करेक्ट लिखोगे जब कहीं भी लिखोगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हम कौन कौन से फॉर्मुले को आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एंड स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको नोट चाहिए फॉर्मुले का तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव। तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे पाइथागोरस आइडेंटिटीज, वही जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम बात करेंगे सम और डिफरेंस आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, जैसे साइन ब्रैकेट ए प्लस बी इसके बारे में। एंड हम उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, डबल एंगल आइडेंटिटी, जैसे साइन 2x cos 2x इसका किस तरीके से फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। एंड देन हम फोर्थ बात करेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में, जैसे साइन 3x cos 3x इसको हम किस तरीके से याद करना है। और आगे देखिए, आगे हम फिफ्थ बात करेंगे सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। ये दोनों जो आइडेंटिटी है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, जैसे साइन ए प्लस में साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। एंड इसी तरीके से प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट टू सम में क्या होता है, जैसे मान लो 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी। ये दोनों आइडेंटिटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में यूजफुल होगा। तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल सही से देखिएगा, बिना स्किप किए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटी एंड सम और डिफरेंस फॉर्मूला आइडेंटिटी से। और स्टूडेंट, अगर आपने ये दोनों याद कर लिया तो बाकी कोई भी फॉर्मूला हो आप उसको ड्राइव कर सकते हो इन दोनों की हेल्प से। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ पाइथागोरस आइडेंटिटी। यहां पे देखो, पहले तो आपने ये 10th में पार्ट रखेंगे तीनों आइडेंटिटी। यहां पे मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, प्लस में 1 देखिए सेकंड क्या आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तो लर्न कर रखा होगा आई होप 10th क्लास में। नहीं करा तो प्लीज आप इन तीनों को तो याद करो, इनके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, प्लीज आप इसे याद करो, ठीक है। यहां पे देखो 10 होगा तो sec आएगा, cot होगा तो cosec स्क्वायर आएगा, ये चीज क्लियर हो गई। चलो आगे अब हम देखते हैं जो हमारा मेन फॉर्मूला, आपने ये तीनों तो पढ़ ही रखे होंगे ना कभी, ये देखिए सम और डिफरेंस आइडेंटिटी से बोलते हैं, सम और डिफरेंस आइडेंटिटी। अगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपने ये सारे फॉर्मूले याद कर लिए किसी भी तरीके से, मैं अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे याद करना है आपको, अगर आपने ये लर्न कर लिया सम और डिफरेंस फॉर्मूला, तो बाकी जितने भी फॉर्मूले ना सारे इससे ड्राइव होके ही बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी 25 से 26 जितने भी फॉर्मूले सारे इससे मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। ड्राइव नहीं मतलब लर्न करने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ड्राइव तो नहीं कराएंगे भाई, ड्राइव कराएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, पहली चीज ये है कि अगर साइन है ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी, तो आप क्या लिखोगे, साइन ए, देख लो भाई साइन ब्रैकेट ए प्लस बी है तो आप लिखोगे साइन ए, कॉस बी प्लस में कॉस ए और साइन बी, आप ऐसे याद रखो, रुक जाओ अभी। आगे देखो नीचे साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी, माइनस लगाओ क्योंकि यहां पे माइनस था तो माइनस आ गया, कॉस ए और साइन बी। अब देखो सुनो, अगर आपको याद रखना कि कॉस है तो आप याद रखोगे सी डी ओ, यानी कि कॉस के साथ डबलेट आता है और अपोजिट साइन के साथ, कॉस के साथ डबलेट आता है अपोजिट साइन के साथ। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, डबलेट आएगा, कॉस के साथ डबलेट आता है, यानी कि कॉस ए और कॉस बी, ये डबलेट होगा एक जैसे है। और अपोजिट साइन, अगर यहां पे प्लस है तो यहां क्या आएगा, माइनस, साइन ए और साइन बी, तो क्लियर हुआ आपको। अब देखो, अगर आपका साइन हुआ तो साइन के साथ आप क्या लिखोगे, दोनों देखो डबलेट नहीं आते इसमें और अपोजिट साइन नहीं आता, वही साइन आता है जो होता है उसमें, ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस में यहाँ पे क्या है आपका, कॉस ए और साइन बी, लेकिन यहां पर देखिए कॉस है ना, तो कॉस में हम डबलेट लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, माइनस अपोजिट साइन के साथ साइन ए और साइन बी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, याद भी होगा होंगे साथ के साथ, याद हुए। चलो आगे देखो, यहाँ पे कॉस है हमारे पे ए माइनस बी है, यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी, डबलेट आया क्योंकि कॉस था यहाँ पे, डबलेट लिख दिया हमने, फिर साइन ए साइन बी, और बीच में हम क्या लगाएंगे, अपोजिट साइन, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इतने क्लियर हुए, अगर आपको ये चार फॉर्मूले याद हो गए तो बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद जितने भी फॉर्मूले सारे इससे मैं आपको अभी ड्राइव करके, यानी कि लर्न करने का कॉन्सेप्ट इससे मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी है तो उसको क्या लिखेंगे, टेन ए टेन बी प्लस में, देखिए नीचे अपॉन वन माइनस टेन ए और टेन बी, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको क्लियर रखनी है, ये तो आप याद ही कर लो। एंड स्टूडेंट, मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप ऐसे ही याद रखें,
ठीक है, आप उसका पूरा लॉन्ग प्रोसेस पे नहीं जाए कि कैसे आए, क्योंकि कुछ चीज़ों का रिजल्ट बहुत आसान होता है। तो जो चीज़ थी मैंने आपको ये बता दिया, 10a + b तो लिखोगे 10a पहले, फिर 10b प्लस का साइन, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 1 माइनस, यहाँ पे हमने माइनस लिखा, फिर 10a और 10b। आई होप आपको याद हो जाएगा, इतने कठिन नहीं है ये फॉर्मूले। आगे देखिए, अगर हमारे पे 10a - b है तो सेम यही है, देखो ये पूरा यही है, बस यहाँ ध्यान रखना अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, नीचे क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे देखिए, कॉट ए प्लस बी है, कॉट ए प्लस बी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे पहले आपको ध्यान रखना भाई, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ वैसे आप याद रखो, सिमेट्री से हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये क्या आपका कॉट ए, कॉट बी, माइनस में वन, जो चीज यहाँ पे नीचे हुआ करती था वो ऊपर ट्रांसफर हो गया, देखिए कॉट ए कॉट बी माइनस में वन, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या आएगा माइनस, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे क्या आएगा आपका कॉट बी, ठीक है, नीचे क्या आएगा कॉट बी और कॉट। अब देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने पहले कॉट बी और प्लस कॉट ए को क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि सिमेट्री से हम फॉर्मूले को याद रखेंगे। नीचे देखिए अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो सेम है कॉट ए कॉट बी प्लस में वन, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे देखिए कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, अगर मैं ऊपर लिख देता कॉट ए प्लस कॉट बी तो फिर आपको सिमेट्री याद नहीं रहती, तो सिमेट्री से आपको याद रखना है। मैं दोबारा बताता हूँ, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। देखो इन दोनों फॉर्मूले का ज्यादा तो यूज नहीं होगा, फिर भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये इस वाले फॉर्मूले इस वाले आइडेंटिटी में लाई करते थे। क्लियर हुआ आपको? सिर्फ आपको अगर ये इतने भी फॉर्मूले याद है ना, आप तो एक बार ये याद ही कर लो, क्योंकि इससे ही सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे। उसके बाद है आपका थर्ड एंगल आइडेंटिटीज। अब इसे देखिए, इन दोनों को आप जितनी भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इनको आप याद कर लो, प्लीज याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। यहाँ पे देखिए साइन 3x है, साइन 3x है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे थर्ड एंगल है ना, इसलिए हम इसको थर्ड एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं। यहाँ पे होगा 3 sin x माइनस में 4 sin 3x, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे cos क्या आपका, cos 3x है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, 4 cos 3x माइनस में 3 cos x, यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ये याद करने वाली चीज़, जितने याद करने वाले हैं ना मैंने उसको पहले लिख दिया है, ताकि अब देखो अब मैं इन सबसे आपको ड्राइव करके बताऊंगा, ड्राइव नहीं मतलब लर्न करने का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे वो चीज़ें आएंगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने क्या करा, यहाँ पे 10 3x है, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे 3 10x माइनस में 10 3x अपॉन में 1 - 3 10 2x, तो ये चीज़ आप क्लियर रखो। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ ऊपर से 10 बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 - 10 2x अपॉन में 1 - 3 10 2x। ऐसे हुआ क्या ऐसे करने से? अब मुझे ये नहीं याद रखना यार यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे क्यूब होगा इसका, यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि गलतियाँ जो होती हैं यहीं पे होती है, क्योंकि फॉर्मूला लिख लेते हैं लगभग कोई ना सभी लोग, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि 3 के बगल में स्क्वायर था क्यूब था, तो आप सीधा 10 बाहर लिखो, 3 - 10 2x 1 - 3 10 2x, यानी कि आपको ये पता है कि जो अंदर 10 जहाँ पे होगा वहाँ पे स्क्वायर ही लगेगा उसके ऊपर। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लीज़ अगर आप इनको शिद्दत से याद कर लेते तो बाकी सारे फॉर्मूले बहुत आसान होने वाले हैं। प्लीज़ आप इन्हें याद करो, फिर मैं आपको बताता हूँ ड्राइव करके कि बाकी सारे फॉर्मूले आपको कैसे लर्न करने हैं। तो प्लीज़ आप इन सबको याद करो, इतना कठिन नहीं है, बात मानो मेरी, इतना कठिन नहीं है। 4 फॉर्मूले तो मैंने आपको याद ही करा दिए। सीडीओ याद रखना कि कॉस के साथ डबल आता है और अपोजिट साइन के साथ आता है, तो साइन का खुद ही याद हो जाएगा आपको। फिर 10 का आपको याद कर लेना है, ठीक है, दोनों 10 के मैंने बता दिए। कॉट का भी सेम सिमिलरिटी है सब में भाई। फिर उसके बाद आपको ये दोनों फॉर्मूले कंपलसरी याद करने हैं, क्योंकि ये आपका डेरिवेशन में यूज होगा, डेरिवेशन इंटीग्रेशन हर जगह ये फॉर्मूले यूज होते हैं। तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों फॉर्मूले को याद कर ले, प्लीज आप इसे नोट करिए। फिर हम इस फॉर्मूले को एक जगह लिखते हैं, यानी कि सम और डिफरेंस वाले को इधर लिखेंगे, और उससे मैं आपको ड्राइव करके सारे फॉर्मूले याद करवाता रहूंगा। प्लीज लिखिए इसको। सो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने आपको ये चीज़ें लिखवा दी है, सम और डिफरेंस फॉर्मूले, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो वेरी गुड, बहुत आसानी से ही हो जाएगा। मैंने आपको याद करने का इन चारों फॉर्मूले का तो तरीका बता दिया कि कॉस के साथ डबलेट लिखो अपोजिट साइन के साथ, और यहाँ पे साइन के साथ डबलेट नहीं आएगा और वही साइन आएगा जो साइन है, जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। अभी आपको ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कराई थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको वो चीज़ तो बिल्कुल याद ही कर लेनी है, साइन 3x और cos 3x का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। आगे यहाँ पे देखिए मेरे साथ, मान लीजिए मुझे डबल एंगल आइडेंटिटी, मैंने क्या करा यहाँ पे a और b की जगह xx रख दिया, a और b की जगह xx रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो sin 2x लिखा मैंने, यहाँ भी x हो जाएगा ना, यहाँ भी x हो गया, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये x हो गया और ये भी x हो गया, तो sin x और cos x, ये क्या हो जाएगा cos x और sin x। अब देखो दोनों सेम सेम नहीं हो गए, ये भी sin x cos x हो गया, ये भी sin x cos x हो गया, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, 2 sin x और cos x। क्लियर हुआ आपको? गुड, तो एक तो हमने ये निकाल लिया। अगला हम देखते हैं sin 2x का एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, आपको उसको देखना है कि 10 के फॉर्म में एक और फॉर्मूला होता है। हमने क्या करा, आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा, जैसे आपका ये लिखा हुआ था 2 sin x और cos x, ये लिखा हुआ था,
हमने क्या करा, इसके नीचे डिवाइड कर दिया, इसके नीचे वन है ना, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बताइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार आप देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, डाउटफुल माइंड ना रहे कि यार ये आया कहां से। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स हम कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा, यहां पे टू साइन एक्स है, यहां पे क्या आ जाएगा, नीचे कॉस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, आप पे तो एक ही कॉस था ना बाहर, मतलब एक ही कॉस था ना, आपने कॉस स्क्वायर बाहर लिया, ठीक है, आपने क्या लिया कॉस स्क्वायर एक्स बाहर लिया है, हमने बाहर लिया। नीचे से भी आप लोगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, वन, और यहां पे देखो सॉरी यहां पे आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन देखो यहां पे आपका क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, और यहां क्या बचेगा प्लस में वन, और यहां पे क्या कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अब मैं इन दोनों को हटा देता हूं, तो आप देख सकते हो ये क्या बन गया, टू टेन एक्स, यहां पे देखिए टू टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर हुआ, हमने भाई क्या करा, इसके नीचे आपका, इसके नीचे वन था ना, जो भी आपको ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा, इसके नीचे आपका वन था, हमने क्या करा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाला, फाइनली हमें इस फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अभी आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो इनके जो आपके डबल एंगल फॉर्मूला निकलते हैं इनसे, ये 70% चीजों को, यानी कि डेरिवेशन जब आप करोगे इंटीग्रेशन, तो वहां पर 70% चीजों में ये लगते हैं। तो मैं आपको इसको अभी नीचे कराता हूं डिटेल में। सबसे पहले आप देख लीजिए टेन टू एक्स का फॉर्मूला, तो यहां पर एक ही जगह एक्स रखोगे, यहां भी एक्स रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टेन एक्स, ये भी टेन एक्स, टेन एक्स टेन एक्स क्या हो गया टू टेन एक्स, देखिए टू टेन एक्स अपॉन में नीचे देखिए वन, ठीक है, और यहाँ पे 10x 10x क्या हो जाएंगे, ये 10 स्क्वायर x, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर x आ गया। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए साइन 2x वाले में यहाँ पे प्लस में होता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस में होगा टेन 2x वाले में, ये चीज आपको क्लियर रखनी है, इसलिए मैंने इसको आपको अभी ड्राइव करना बताया। तो आगे देखिए हमारा क्या, आगे हमारा फोर्थ, फोर्थ हमारा कॉट 2x, तो हमने ए की जगह x रखा और बी की जगह x रखा, यहाँ पे रख दोगे तो कॉट x और कॉट x माइनस वन, तो कॉट x कॉट x क्या हो गया कॉट स्क्वायर x माइनस वन अपॉन में कॉट x, और ये भी कॉट x, टू कॉट एक्स, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए ये चारों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए ना, ग्रेट। अब मेरे साथ देखिए आप, हमने क्या बोला कि अब अभी देख रहे हैं कि cos 2x का, क्योंकि cos 2x का मैंने बोला था, अब अभी देखिए मेरे साथ cos 2x के लिए मैंने यहां पे था आपका, यहां पे a की जगह x और x की जगह भी x रख दिया, तो आपको क्या मिलेगा cos x cos x cos स्क्वायर x, फिर साइन एक्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहां तक क्लियर हुआ, ग्रेट। अब इससे देखिए, इससे चार फॉर्मूले ऑल बनते हैं, ये चार फॉर्मूले ऑल है, कैसे बने देखिए, हमने क्या करा इसको, पहले इसको इस चीज को देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन होता है, तो अगर मैं इस कॉस इसको हटाऊं साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने इधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स राइट साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, इस पूरी चीज को देखो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह इस पूरी चीज को उठा के यहां पर रख दिया मैंने, अब यहां पर देखो पहले से ही था माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है ना, पहले से ही साइन स्क्वायर एक्स, तो देखो ये दोनों, ये तो माइनस में हो गया सॉरी ये तो वन में हो गया, तो वन, फिर ये दोनों माइनस माइनस में, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे माइनस में टू साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ग्रेट। सेम इसी तरीके से इस बार मैंने इसको क्या रख दिया वन माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लीज आप इसको याद करो, हो गया याद, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि 70% चीजों में डेरिवेशन जब आप करोगे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, तो वहां पे ये 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे लगेगा ही लगेगा, इसके बिना होता ही नहीं है क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट अब देखिए आप कि हम इसको किस तरीके से 10 वाले फॉर्मूले में चेंज करेंगे, तो आपको करना क्या, पहले ये था आपने इसके नीचे क्या करा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, देखिए हमारे पे क्या था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, आपने क्या करा इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि वन होता है, तो हमने डिवाइड करा, फिर आपने यहां से क्या कॉमन निकाल लिया कॉस स्क्वायर एक्स, यहां भी कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां पे क्या बच जाएगा कॉस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये 10 हो जाएगा, देखिए 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, ये क्लियर हो गया आपको, प्लीज आप इसको याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोल दो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद करिए इसको, समझ आया, कुछ भी नहीं करा भाई, ये आपको याद होना चाहिए। हमने यहाँ ए बी की जगह एक्स एक्स रख दिया प्लस वाले फॉर्मुलों में, और यह हमें ये मिलता चला गया, ये हमने इससे ये ड्राइव कर लिया, ये जो आपका फॉर्मुला था 10 के टर्म में, कि साइन को हम अगर 10 वाले फॉर्मुले में लिखा है, यानी कि साइन 2x को अगर हम 10 के टर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखिए अगर हमें कॉस 2x को लिखना है 10 वाले फॉर्मुले में, तो हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा, प्लीज कमेंट में पक्का बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो स्टूडेंट अब हम कर लेते हैं सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। तो देखिए इसको आपको याद करने का क्या तरीका, और ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा डेरिवेशन में और इंटीग्रेशन में, इनकी डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो वहां भी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है फर्स्ट प्रिंसिपल में। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा हमें किस तरीके से याद करना है। सबसे पहले देखिए, देखो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको वन बाय वन एक एक करके आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको दिखने में तो इतने सारे लग रहे हैं लेकिन ये है नहीं, आपको सिर्फ इन पे कमांड बनानी है चार पांच फॉर्मूले पे, बस ये सारे इससे ड्राइव होके ही आएंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है
है, अगर आप याद नहीं करते, अगर आप इसको मतलब समझ के लाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब भी लाओगे ना तो 100% सही लाओगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या है, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, और जो नीचे लिखा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट में, देखिए प्रोडक्ट में हमने इसको सम में चेंज करा, तो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। सबसे पहले हम इस पर कमांड बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले का क्या मतलब है, यहां पर देखिए अगर हमारे पास साइन ए है और साइन बी है तो आप क्या लिखोगे, टू साइन a प्लस बी अपॉन में टू कॉस ए माइनस बी अपॉन में टू। अब देखो कंफ्यूज मत होना, सोचना भैया ये कैसे याद होगा इतने सारे, मैं भी आपको बताता हूं, रुकिए थोड़ी देर। यहां पे क्या लिखा हमने, b साइन a माइनस साइन b इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन में टू। अब देखो हम ऐसे अगर याद करते हैं चारे फॉर्मूले को, तो मान लो हम याद कर लेते हैं, हमें अब ये याद करने के बाद कितने दिनों तक याद रहेगा, दो दिन तीन दिन, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम ये फॉर्मूले 100% याद रह सके, या फिर अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लो लो, जैसे कि आपसे किसी ने बोला लिख के बताइए, तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे लेकिन आप बता दोगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो देखिए मेरे साथ, आपको ये चार फॉर्मूले याद पता होने चाहिए, 1 2 3 4। अब देखो अगर आप देखो साइन ए और साइन बी है, यानी कि आप देखो कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा है ना, ऐसा सा लग रहा है ना, आप इस पे आ जाओ तुरंत ही, साइन ए प्लस बी पे आप देखो कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आप कौन सा उठाओगे, पहला डबलेट उठाओगे, तो हमने पहला डबलेट उठा लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो सब में ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी अपॉन में टू, ए प्लस बी अपॉन में टू, और यहाँ भी ए प्लस बी अपॉन में टू, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन में टू तो कॉमन है, यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन में टू कॉमन है, और यहाँ पे टू कॉमन है, तो बस अब टेंशन किसकी, ऑर्डर की भाई, ऑर्डर हमें नहीं पता ना कहाँ साइन आएगा कहाँ कोस आएगा कहाँ कोस आएगा कहाँ साइन आएगा, तो इसमें हमें देखो ऑर्डर हम पता कर रहे हैं। तो ऑर्डर पता करने का क्या तरीका, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस साइन बी है, यहाँ पे आ जाओ इस वाले फॉर्मूले पे, साइन ए प्लस बी। आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पहला डबल उठाना है, ये उठा, मेरे कहने का मतलब है पहला आपको उठाना है, पहला डबल उठाना है, ये देख रहे हो इस चीज को उठाना है आपको, पहले वाले को। यहाँ पे क्या है, साइन ए और कॉस बी, साइन ए और कॉस बी, हमने क्या करा, यहाँ पे आप ले आओगे साइन और यहाँ पे कॉस, बस बाकी ए प्लस बी अपॉन में टू, ए माइनस बी अपॉन में टू, और यहाँ पे टू। सो स्टूडेंट इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे माइनस आ जाए, जैसे साइन ए माइनस में साइन बी, तो आपको करना क्या है, इसमें से आपको उठाना है सेकंड वाला ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, कॉस और साइन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस और यहाँ पे साइन, बाकी वो सेम है, ए प्लस बी अपॉन में टू, ए माइनस बी अपॉन में टू, और यहाँ पे टू आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज गलती हुई है इस वाले फॉर्मूले में, देखिए यहाँ पे कॉस ए तो है इस माइनस वाले फॉर्मूले में, प्लीज करेक्ट कर लेना, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है मेरे से, आदत देखा करें चलिए, ठीक है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आएगा साइन बी, साइन बी, ठीक है किसी ने भाई देख लिया प्लीज सही कर लेना आप, यहाँ पे आपका साइन बी आएगा फॉर्मूला। प्लीज गलत मत लिखना क्योंकि पेपर में भी गलत हो जाएगा, मैंने बहुत हो जाती है मिस्टेक, कोई नहीं। आगे देखिए, अगर हमारे पे कॉस ए है और कॉस बी है, तो आप क्या करो इस वाले फॉर्मूले पे आओ, अब पहला ये पहला ऑर्डर उठाओ, पहला ऑर्डर उठाया आपने, क्या लिखा, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन में टू, और कॉस लिखा a माइनस बी अपॉन में टू, क्योंकि कॉस कॉस है ना, तो कॉस कॉस लिख दे, बाकी वही चीज सेम रही। फिर यहाँ पे आ जाओ तो कॉस a और कॉस b है, तो आप इसके लिए माइनस में है ना, तो माइनस के लिए कौन सा सेकंड ऑर्डर उठाओगे, साइन a और साइन b, तो यहाँ भी साइन आ जाएगा, यहाँ भी साइन आ जाएगा, बाकी a प्लस बी अपॉन में टू, a माइनस बी अपॉन में टू, और बाहर टू आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको, प्लीज ये याद रखना सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है, ये पेपर में पक्का यूज आएगा आपके, मेरे कहने का मतलब लिमिट या फिर आप डेरिवेटिव करोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज आएगा, याद हुआ। चलो मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तुरंत आ जाना है, अगर प्लस का साइन है तो पहला वाला ही ऑर्डर उठा लो, और अगर माइनस का साइन है यहाँ पे तो आप सेकंड वाला ऑर्डर उठा लो, बाकी इस चीज़ तो इसमें सेम ही रहने वाली है, क्लियर। चलो उसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। देखो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले में क्या होता है, अब इसमें देखो साइन टू साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। अब इसको आप याद कैसे करोगे, तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। तो इसको याद करने का तरीका है, अब इन चारों फॉर्मूले को दोबारा से याद रखो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही बोलते हुए कि चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस बी, साइन ए और कॉस बी, तो यहाँ पे देखो साइन ए और कॉस बी इन दोनों इक्वेशन में है, इसमें भी तो है साइन ए और कॉस बी, तो हमने क्या करा इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो, जब जोड़ दोगे तो ये दोनों सेम सेम थे, देखो ये और ये दोनों आपके सेम सेम है, दोनों कट जाएंगे, और कटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये देखो साइन ए कॉस बी, ये भी क्या है साइन ए और कॉस बी, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, टू साइन ए और कॉस बी, क्लियर हुआ। आगे से आगे देखिए कॉस ए और ये क्या आपका साइन बी, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए ये है और साइन बी ये है, यहाँ पे तो ये नेगेटिव में, तो हमने क्या करा इसको देखो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, यानी कि इस वाले इक्वेशन को हमने इससे माइनस किया, तो माइनस करने पर हमने क्या लिख देंगे, देखो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये तो आपका कट गया पूरा खत्म। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका टू कॉस ए और साइन बी। फिर यहाँ पे देखो क्या है आपका साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, माइनस लगाया क्योंकि हमने माइनस करा था माइनस, यहाँ पे क्या साइन ए माइनस बी, तो हमने इसको लिख दिया। अब अगला देखिए हमारा क्या है, टू कॉस ए और कॉस बी, तो देखिए कॉस ए और कॉस बी ये रहा
है ना, कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो काम खत्म, ये दोनों कट जाएंगे आपके, ये दोनों हमारे कट जाएंगे क्योंकि एक पे माइनस का साइन है एक पे पॉजिटिव का साइन है, तो ये दोनों कट गए। तो फाइनली अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टू कॉस ए, देखिए टू कॉस ए और कॉस बी, और इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो, इससे और इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को प्लस में लिख लिया, ठीक है, समझ आया, बताइए कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, यहाँ तक क्लियर है। आगे हमें देखिए आगे क्या है हमारे पे, साइन ए और साइन बी है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए साइन ए और साइन बी, लेकिन इस बार ये नेगेटिव में, तो हमें इस वाली चीज़ को इससे घटाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो देखो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, टू साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे हमने लिखा टू साइन ए और साइन बी, देखो ये दोनों तो आपके कट जाएंगे, ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया, यहाँ पे क्या आपका कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। अब देखो बहुत सारे ये चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होंगे कि भैया क्या हम इसको ऐसे याद रखेंगे, मैं देखो ऐसे ही याद रखोगे, और अगर आप कैसे भी याद रखते हो तो आपको दो दिन चार दिन मैक्स टू मैक्स एक महीना फिर उसके बाद भूलोगे, लेकिन अगर आप ऐसे याद कर लिया ना, आपने एक बार कॉपी में लिखो खुद से, ट्राई करने की कोशिश करो, अगर ये आप खुद से एक बार कर लेते हो ना, एक बार अगर आप कर लेते हो तो फाइनली आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको एक बार और रिवाइज करके, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप एक बार देख लीजिए कि हाँ इस तरीके से हुआ है, बाकी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्मूले में, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पक्का बताना कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई, प्लीज़ आप कमेंट में बताओगे ये फॉर्मूले आपको याद करने, बाकी इससे डाइव हो क्या रहे, और इन दोनों को आप याद करिए क्योंकि लिमिट और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में इसका भाई यूज़ होने वाला है। सो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इन सारे फॉर्मुलों का नोट चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करो, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे और फाइनली आप उससे रिवाइज कर सकते हो। और आपको क्या करो, उसको प्रिंट ही निकलवा लो भाई, जिसको लिखना नहीं है बैंड प्रिंट ही निकाल के उसको आप कॉपी के फ्रंट पेज पर लगाइए ताकि आपको हमेशा वो रिवाइज होते रहे। सो चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।